अठारवे अध्याय के 64वें श्लोक में एक गुप्त और बता दूं, इष्ट में असी दृढ़ इति तत्वक्षामि ते हितम। तुझे फिर और बताता हूँ एक गुप्त से गुप्त भेद, कति गुप्त है, मेरा भी पूज्य देव इष्ट वही है। और परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी, ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन यो ब्रह्म काल भी धरता ध्यान हमारा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञान दाता कहता कि सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सत्र की जो पूजा है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत तीन मंत्र का जाप, सचिदानंद घर ब्रह्म के पाणी का, कहा कि ओम तो ब्रह्म का है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। तो ये ओम मंत्र का जाप कहता है कि मुझे छोड़ दे इसकी कमाई, जो मेरे सत्र की जो धार्मिक पूजाएं हैं, फिर मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर उस एक की शरण में जा, एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा नहीं कोई, सर्वशक्तिमान अद्वितीय परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, मेरे सत्र की पूजा मुझे छोड़ दे। हम क्या करते रहे, पहले ऋषि मैं ऋषि बनकर ओम नाम का जाप करते, उसकी पुण्य कमाई को ब्रह्मलोक में उस बड़े रेस्टोरेंट में नाश कर देते, होटल में पुण्य तो वहाँ समाप्त कर देते, पाप नरक में भोगने पड़ते, गधे कुत्ते बनते। तो अब ये कहता है कि मेरे सत्र की जो पूजा मुझे दे दे, ओम नाम का जाप मेरा छोड़ दे, और पाप परमात्मा के सतनाम से नाश हो जाते हैं। तो फिर कहता उसकी शरण में जा, एकम शरणम व्रज। इन अनाड़ियों ने उल्टा अनुवाद कर दिया कि मेरी शरण में आ जा। अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूँ, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में, कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, और मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, मुझे ठीक शिक्षा दे दो, मन करना के चाहिए। और ये नौके श्री कृष्ण नौके मेरी शरण में आ जा, श्री कृष्ण तो बोल ही नहीं रहा गीता जी को, और कहते हैं श्री कृष्ण जी कहता सब पाप नाश कर दूंगा, श्री कृष्ण जी तो बोल ही नहीं रहा, श्री कृष्ण जी इसमें कुछ शब्द भी नहीं बोला, और वो अपने पाप नाश नहीं कर सका तो औरों का कैसे कर देगा। आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इन अज्ञानियों की, जिन्होंने इन गीता जी के अनुवादों में बट्ठा बैठा रखा है। अज्ञान के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। अनुत्तम को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ लिख दिया, अति उत्तम कर दिया, ऐ तरह गजब। चौथी कक्षा का बच्चे ने पूछ ले, पांचवीं कक्षा का बता देगा, उत्तम माने गुड, अनुत्तम माने बैड। तो बैड का अर्थ, अगर कोई गुड लिख है तो किसा विद्वान होगा, ये किसी भी शास्त्र में नहीं हो सकता। ये दूसरी बात है कि ये प्रसंग से अपरिचित होने से अनर्थ कर डालेगा। अगर ये कहें कि अनुत्तम का अर्थ, यहाँ सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो नेक उदार हैं, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही लीन है। भाव तो ये है, इन्होंने कह दिया कि जिससे उत्तम कोई और ना हो वो मेरी गति में। इसकी गति कौन सी है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम के जाप से मेरे वाली परम गति प्राप्त होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कह दिया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी ओम की साधना करने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं, कि वो भी जन्म मृत्यु में आते हैं। ये 14वें अध्याय के 5वें और 9वें में, दूसरे अध्याय के 12वें में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में स्पष्ट करता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म और ये तू नहीं जानता, हमारी जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ ये कैसे कह सकता है कि मेरे वाली गति से कोई उत्तम नहीं। फिर ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में स्पष्ट कर दिया है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ इन्होंने लिख दिया कि जिससे उत्तम कोई गति ना हो। बता, ये खुद कह रहा है कि मेरे से उत्तम तो कोई और है, तो वो भी अर्थ नहीं बन सकता यहाँ पर,
कि भगवान नु कह मेरे बुढ़िया कोई और साधना नहीं किसी की, स्पष्ट कराया तो और परमात्मा उत्तम पुरुष है तू अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में। अब आपको दिखाते हैं इनकी कलाबाजी नकली अनुवादकर्ताओं की। अब ये देखिएगा सर्वप्रथम गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित दिखाते हैं आपको। पुण्यात्माओं आप बालक नहीं हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो, कंप्यूटर तक बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, इंटरनेट बना लिए, अरे परमात्मा के ज्ञान को समझे बिना सारे व्यर्थ हैं। जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं होंगे हमें पता नहीं लगेगा कि उद्देश्य क्या है हमारा यह फंसे रहने का, जन्मने और मरने का। तो अब सु अवसर है इस ज्ञान को समझ कर सदा के लिए सुखी हो जाओगे, सतलोक में आपका जीवन होगा, ऐसे ही जन्म होगा, ऐसी सृष्टि है, काल ने या नकल बना रखी उसकी। लेकिन वहाँ वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं है, वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ये ऐसा शरीर गंदा शरीर नहीं है, सुंदर शरीर, तेज पुंज का शरीर, बहुत ही 16 सूर्य जितना हमारा नूर है, सुंदरता है। तो मरना तो है ही, ये तो अंडरस्टूड है। तो मरते हैं तब तक तो परमात्मा को याद करते हुए हम जाएंगे और यहाँ की क्रियाएं भी जो हम कर रहे हैं परमात्मा के शरण में आने से ही हमें यहाँ संसारिक भी लाभ होगा, हमारा परिवार भी ठीक रहेगा, हम भी ठीक रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, भगवान की भक्ति करके पार हो जाएंगे। तो मृत्यु तो होनी ही है, पुनर्जन्म की आशा मन में नहीं रहनी चाहिए, ये इस ज्ञान से वैसे भी हट जाएगी और फिर भक्ति का इतना प्रभाव होगा आपको, एक न्यारा उमंग बनेगी उस स्थान को पाने की। कुछ दिनों में आपका पूरा विश्वास हो जाएगा कि सचमुच वहाँ स्थान कोई और है, क्योंकि सब ग्रंथ बतावें, सब संत बतावें जिन्होंने परमात्मा पाया, परमात्मा खुद बताने आया, तो फिर हम निरसंशय होकर के वहाँ की धुन लगा लेंगे कि वहाँ की एक लगन लगा लेंगे, वह लगन लेकर चलेगी साथ में, भक्ति हमारे साथ है। उसके लिए आपको एक निर्णायक मोड़ पर लाना चाहता है ये दास, के आप जी ये समझ सकें कि ये क्या झंझट है, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, हमें क्या सुनने को मिला आज तक, वो गलत सुना रखा था। आपको दिखाते हैं संस्कृत शब्द कोश, जिसे आपको विश्वास होगा कि सचमुच ये है संस्कृत, संस्कृत हिंदी शब्द कोश, ये देखिएगा संस्कृत हिंदी कोश, वामन शिवराम आप्टे, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से ये छपी है। इसके 993 पृष्ठ आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये 993 पृष्ठ पर है। वर्ज, वर्ज माने जानना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, निर्वासित होना, छोड़ देना यानी चला देना, वहाँ से निकल जाना, घूमना फिरना, यात्रा करना, निर्वासन देश निकाला यानी वर्जन माने चला जाना, वर्ज माने जाना। अब गीता प्रेस गोरखपुर से प्रारंभ करते हैं, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, अभी आपको दिखा रहा था दास, ये साइन भी कर रखे अपने 18वें अध्याय का 66वां श्लोक आपको दिखाते हैं। 18वां अध्याय श्लोक नंबर ये 62 है, 62 में स्पष्ट किया कि हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, स्पष्ट किया उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने जो कहना था वो कह दिया, हाय हाय, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुहतात गुहतरम मया, इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान युगीता का ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे ही कर, मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ हो युद्ध के लिए तैयार, उसके शरण में जाना तो शांति हो जाएगी। अब 64 में क्या कहा है, सर्वगुहतम सबसे गुप्त मेरे और सुन विचार है, क्या बताता है, भूयम ये परमम वच है, इष्ट असी में दृढ़ इति तत्वक्षामी ते हितम,
संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को फिर सुन। तू मेरा अतिशय इष्ट माने प्रिय कर दिया, इससे परम हितकारक वचन तेरे लिए कहूँ के कब आगा बता। ये तो आगे तो फिर वो दूसरी बात आ गई। यहाँ देखो ये 63 में कह दिया, ये गुप्त से गुप्त ज्ञान है, इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय है, ये तो गीता का ज्ञान बता दिया। और 64 में कहा कि एक और बताऊं तेरे कति गुप्त से गुप्त सबसे गुप्त इष्ट असीमित दृढ़ इति इति माने कौन सा, यह कौन सा, ये 18 अध्याय के 62 श्लोक में जिसके बारे में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी उस परमात्मा की कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसके विषय में कह रहा है कि यो यह मेरा भी पूज्य देव है, मेरा भी इष्ट देव है। इष्ट असी में दृढ़म यानी कति पक्कम पक्की बात है या? और ये तेरे हित में कहूंगा। इन्होंने गलत अनुवाद किया। अब 65 में क्या कहा, 18 अध्याय के 65 में कि मुझ में मनवाला हो, अगर मेरी शरण में रहना है तो मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। यहाँ ठीक है, इन्होंने यहाँ इष्ट का अर्थ प्रिय करके गलत कर दिया। यहाँ इष्ट माने इष्ट देव है, इष्ट है, इष्ट देव है। अब 66 में आ गया क्योंकि यहाँ लास्ट अध्याय और लास्ट श्लोक लगभग चल रहे हैं। निर्णायक मोड पर ला रहा, काल भी कह रहा कि मेरी शरण में फैसला कर ले, उतने विचार कर ले कौन के करना है। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान गीता का मैंने बता दिया, और ये और बता दो मेरा भी पूज्य देव वही है। और ये कहता जतन मेरी शरण में रहना है तो मेरे में मनवाला हो, और किसी की नहीं पूजा करेगा, नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी नहीं करनी है। और फिर 66 में कहता है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरण व्रज, उसकी शरण में जाना है तो ये तरीका है। अहम तो सर्व पापे भयमुक्षामी माँ शोच, संपूर्ण धर्मों का को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक सर्वशक्तिमान, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में वरद माने आ जा। कितनी बकवाद गढ़ रखी ने। अब श्री कृष्ण की शरण में तो जो था ही अर्जुन, दूसरे अध्याय के 7 श्लोक में कहता है कि मैं आपकी शरण हूँ, आप हमारे गुरु हो। अब देखो दूसरे अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और 7 श्लोक है। कायरता रूप दोष से अपहत हुआ स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चय कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब शरण तो सह पहले था, इनकी शरण था। अब यहाँ कहते हैं कृष्ण जी करो मेरी शरण में आ जा नहीं, वो तो कहता है जब उसकी शरण में जाना है तो उसकी भक्ति कर। ये देखो 18 अध्याय का अब हम आगे 66 श्लोक में सर्वधर्मान सभी संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक, ये इसका यहाँ देखिए सर्वधर्मांतरिताज मम एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमात्मा सतपुरुष की परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा, और मेरे सत्र की पूजाएं मुझ में त्याग दे, तब मैं तुझे छोड़ूंगा नाड़े कुत्ते गजे बनाता रहूंगा। और ये क्या अनुवाद करते हैं, मेरी शरण में आ जा फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। ये तो दिखाया आपको गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। सभी ने एक कुएं का पानी पी रखा है, एक भांग डाल रखी है कालना ज्ञान की, और सभी ने उस तरह ही एक्टिंग उसी तरह क्रियाएं कर रखी है, सब ने एक जैसा ज्ञान अनुवाद कर रखे है। अब देखो एक और कमाल कर रखा है एस्कॉन वालों ने, तो कति स्पष्ट झूठ बोल रखी न दिखती। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप ये है श्रीमद् एसी कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति नेत
वेदांत स्वामी प्रभुपाद।